वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, इंडेक्स नंबर में अब हम वेटेड इंडेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम एग्रीगेटिव ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर पे लास्ट क्लासेस में हमने अलग अलग इकोनॉमिक्स के अलग अलग फॉर्मूले को समझा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने लास्ट क्लास में अटेम्प्ट भी किया। और कुछ क्वेश्चंस एक दूसरे से लिंक करते हुए आते हैं एग्जाम में। ऐसा आप देख पा रहे हो कि 1992, 1995, 1997, 1913 मल्टीपल टाइम्स आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। तो आइए इसको भी करते हैं। कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ है, तो बच्चे कोर्स के ड्यूरेशन में ही जब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ लेकर चलता हूँ। तो आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान है, बट फॉर्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए इंडेक्स नंबर पे। मैं तो कहता हूँ आपको एग्जाम में सबसे पहले आप अपना इंडेक्स नंबर को अटेम्प्ट करना है आपने। देखो बच्चे, हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या उसको पिक कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन दैट सिग्मा P1 एंड Q1 इक्वल्स टू 250 एंड P0 सिग्मा P0 Q0 है, ठीक है बच्चे, 150 एंड 500 इंडेक्स नंबर। बेसिकली बच्चे 500 इंडेक्स नंबर क्या होता है, चलिए पहले लिख लेता हूं। जो है पाशे इंडेक्स नंबर आपके पास में है 150 एंड द डॉर्बिस एंड बाउली इंडेक्स नंबर, ये एक ही है डॉर्बिस एंड बाउली, 145। तो इंफॉर्मेशन को पिक करने में फाइंड द फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर, मार्शल एडवर्स इंडेक्स नंबर। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चे, इसको ऐसे पिक मत कीजिए, ये गलत वे पिक करने का। क्या गिवन आपके पास में, पाश्चे इंडेक्स नंबर। तो पाश्चे इंडेक्स नंबर क्या होता है बच्चे, जो कि P1 Q1, अगर किसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूले के सामने उसको लिखा करो, P0 Q1 इंटू 100 इक्वल्स टू 150 है, ठीक है बच्चे। और आपके पास में डॉर्बिश, डॉर्बिश मीन्स क्या है आपके पास में, पाश्चे लेस पेयर प्लस पाश्चे अपॉन 2 इक्वल्स टू 145 दिस वन। आइए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे जो पूछ रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। मुझसे पूछ क्या रहे हैं, मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं आप फिशर्स इंडेक्स नंबर, तो लिख देते हैं जो पूछ रहे हैं फिशर्स। तो फिशर्स के लिए उसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे आप, लेस पेयर जो कि बेस ईयर क्वांटिटी पे फोकस करता है, इंटू पाश्चे जो कि करंट ईयर क्वांटिटी पे फोकस करता है, इंटू 100। इसके लिए मुझे जो इसके कॉम्पोनेंट्स हैं फिशर्स के वो फाइंड आउट करने हैं यहाँ से। तो खैर मेरे पास में P1 एंड Q1 ऑलरेडी है, P0 एंड Q और मेरे पास में P0 Q0 भी है, बाकी दो चीज़ें जो कि मैं इसमें से कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप क्या गिवन है, P1 एंड Q1 ऑलरेडी हमारे पास में है, क्या है 250 समीशन ऑफ P1 एंड Q1 अपॉन समीशन ऑफ P0 एंड Q1 इंटू 100 इक्वल्स टू 150, ठीक है बच्चे। अब एक की हमें फाइंड करना है ना, तो उसको सॉल्व करेंगे तो एक 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सॉल्व करेंगे 5 2 10 3 तो 500 अपॉन 3 इक्वल्स टू समीशन P0 एंड Q1, क्लियर है बच्चे, कोई डाउट। तो एक तो आपके पास में आ गया, तो आपके पास में P0 Q1 भी आ गया। अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखिए आप लेस पेयर, तो लेस पेयर के लिए क्या होता है आपके पास में, लेस पेयर का फॉर्मूला क्या है, समीशन P1 Q0 समीशन P0 Q0 इंटू 100 प्लस 500 समीशन P1 Q1 समीशन P0 Q1 इंटू 100,
क्लियर है बच्चे? तो 5-6 का हमारा ही हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 145। क्लियर है बच्चे? ये डिवाइड कर रहा है, मैं जाके क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। समीशन पी वन एंड क्यू जीरो क्या है? पी वन एंड क्यू जीरो कहीं पे है हमारे पास में? पी वन एंड क्यू जीरो नहीं है, समीशन पी वन एंड क्यू जीरो नहीं है, समीशन पी जीरो क्यू जीरो है, पी जीरो क्यू जीरो है हमारे पास है 150। ठीक है बच्चे, 100 तो आप कॉमन ले सकते हैं, चलिए आप ले लीजिए 100, कोई बात नहीं अभी फिलहाल। प्लस पी वन क्यू वन क्या हमारे पास में है बच्चे? है 250। एंड पी जीरो क्यू वन, पी जीरो क्यू वन क्या हमारे पास में है? पी जीरो एंड क्यू वन, पी जीरो एंड क्यू वन हमने फाइंड आउट कर लिया अभी, पी जीरो एंड क्यू वन 500/3। ठीक है बच्चे, एंड ये टू यहाँ आके क्या हो गया? 290 हो गया। अब सॉल्व करेंगे हम इसको, ये नीचे आया था ना आपका, ये रेसिप्रोकल होगा, तो आपके पास में सॉल्व करेंगे इन टू 100, तो 100 तो आपका कॉमन आ गया बच्चे। समीशन पी वन एन क्यू जीरो अपॉन 150 प्लस ये आपके पास में 3/2, क्योंकि रेसिप्रोकल होगा तो ये 3/2 आ गया इक्वल्स टू 290। ठीक है बच्चे, 0 से 0 सिंप्लीफाई हो गया। अगेन सॉल्व करते हैं आप, तो समीशन पी वन क्यू जीरो अपॉन 150 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 29/10। ठीक है, एंड सॉल्व करेंगे आप, समीशन पी वन एंड क्यू जीरो अपॉन 150 इक्वल्स टू 29/10 माइनस 3/2। आगे आप सॉल्व करेंगे 20, 29, 10, 30। ठीक है बच्चे, एक सेकंड होल्ड करेंगे। हेलो, समीशन पी वन क्यू जीरो अपॉन 150 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे बच्चे 10, 29, 2, 5 जा 15। समीशन पी वन क्यू जीरो अपॉन 150 इक्वल्स टू 4, 1, 14/10। सॉल्व करेंगे, 0 0 कट गया, तो समीशन पी वन क्यू जीरो इक्वल्स टू 14 × 15, 150 and 60, 210। समीशन पी वन एंड क्यू जीरो क्लियर है? और वैसे भी आपको पता है यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास में बाउली मेथड क्या होता है, लेस पेयर प्लस पार्शियल डिवाइडेड टू इक्वल, तो आपके पास में पार्शियल दिया हुआ था ना, आप लेस पेयर निकाल लेते हैं उसको इक्वल, कैसे भी कर लो आपके ऊपर है, ये समझ में आ गया आपके पास में बच्चे। और फिशर्स मेथड के लिए जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है वो सब आपके पास में अवेलेबल है, अंडर रूट पी वन क्यू जीरो, पी वन क्यू जीरो 210 अपॉन में पी जीरो क्यू जीरो, पी जीरो क्यू जीरो 150 इंटू आपके पास है पी वन क्यू वन, पी वन एंड क्यू वन, पी वन एंड क्यू वन दिस वन 250 एंड पी जीरो क्यू वन, पी जीरो एंड क्यू वन आपके पास में, हमने कैलकुलेट किया था पी जीरो क्यू वन, पी जीरो एंड क्यू वन दिस 500/3। ठीक है बच्चे, सॉल्व कर लेंगे इसको इनटू 100,
तो पहले सॉल्व कर लो आप 21 बाय 15, या फिर आप इसको बोल दो 0 अंडर रूट 7 बटा 5 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या हो गया 3 बाय 2 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेटर लेकर आइए। 21 बाय 10, 2.1 का रूट इंटू 100, 2.1 का अंडर रूट इंटू 100, तो 144.91 दिस वन। फिशर्स मेथड आ गया आपके पास में, एंड मार्शल मेथड में आपको क्या करना है बच्चे, मार्शल मेथड का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। आपके पास सब कुछ तो बच्चे अब आपके पास में आ गया है, तो मार्शल मेथड के लिए क्या करना है आपको, वही लेस पेयर ठीक है बच्चे, और पाशे लेकिन सबके नीचे आता है यहां पे आपका, ठीक है, इंटू 100। तो सारे कंपोनेंट है, आप इसको अप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास रिक्वायरमेंट है। तो 145.26 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे, 145.26 इसका आंसर आएगा। ये कर लेंगे आप, रिप्लेस करना है ना यहाँ पे, तो जो वैल्यूज आपने पीछे निकाला है रिप्लेस कर लोगे, ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को?